नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 कोल्ड वॉर के बारे में। ये आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है और ये आपको दोनों बुक्स की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करेगा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए पूरे सिलेबस में एक लिंक बिठाना बहुत आसान हो जाएगा। कोल्ड वॉर को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, जिसमें से पहला है वर्ल्ड वॉर को जानना। हमें जानना होगा कि वर्ल्ड वॉर आखिर थी क्या। वर्ल्ड वॉर शुरू हुई 1939 में, जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। जर्मनी में उस टाइम लीडर थे एडोल्फ हिटलर और उन्होंने पोलैंड को अटैक कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया ने जर्मनी के खिलाफ एक वॉर लॉन्च कर दी। वर्ल्ड वॉर में लड़ने वाली मेनली दो पावर्स थी, अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स। अलाइड पावर्स के अंदर फोर कंट्रीज थी, यूएस, यूएसएसआर, यूके और फ्रांस, और एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली और जापान, ये मेन कंट्रीज थी। इसके अलावा और बहुत सारी कंट्रीज ने पार्ट लिया था जो कि इन्हीं के अंडर दूसरी इनके अलाइड कंट्रीज थी, या फिर ये वो देश थे जिनको इन्होंने कॉलोनाइज किया था। जैसे इंडिया भी वर्ल्ड वॉर टू का पार्ट था क्योंकि इंडिया उस टाइम यूनाइटेड किंगडम के अंडर था। इसके बाद हम समझेंगे कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या क्या थी जिसने कोल्ड वॉर को इन्फ्लुएंस किया। जो पहली आइडियोलॉजी थी वो थी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद। ये बोलता है कि मान लीजिए एक पूरा का पूरा सिस्टम है, उसमें सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स ही रहने चाहिए। उससे क्या होगा, मान लीजिए वो डिमांड को बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो मान लीजिए फैक्ट्रीज बढ़ने लगेंगी, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर वो और ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, और डिमांड बढ़ेगी और फिर और ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी, तो इससे पूरी की पूरी इकोनॉमी में एक प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। तो ये विजन होता है कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का, यानी एक ऐसा सिस्टम जो कैपिटल यानी मनी पर रन होता हो, प्रॉफिट्स पर रन होता हो। दूसरा इसका एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी जो आइडियोलॉजी है वो है सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म की। ये क्या बोलता है कि जो कैपिटलिज्म है वो लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, क्योंकि इसमें वर्कर्स को बहुत ज़्यादा टाइम तक काम कराया जाता है, तो प्रॉफिट के लिए कुछ लोगों का तो फ़ायदा होता है, यानी अमीर लोगों का तो फ़ायदा होता है, लेकिन कई सारे गरीब लोग दब जाते हैं। तो ये एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम हमें बताता है। इसके हिसाब से पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो स्टेट यानी कि सरकार के हाथ में होनी चाहिए, वही इंडस्ट्रीज लगाए, वही लोगों को रोज़गार दे, पूरा हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब सरकार के पास होनी चाहिए, और प्रॉफिट्स की जगह हमें लोगों के वेलफेयर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म बहुत दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजीज़ हैं, और इस वजह से ही हमें देखने को मिलेगा कि इसमें क्लैशेस होते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इनको फॉलो करती थी। जैसे कि हमने वर्ल्ड वॉर टू की बात करी, उसका हमें एंड समझना होगा और फिर हम कोल्ड वॉर की तरफ जाएंगे। वर्ल्ड वॉर टू का एंड हुआ जब यूएस ने जापान पर बॉम्ब्स गिरा दिए। तो यूएस तो ये बोलता था कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब्स इसलिए गिराए ताकि वॉर जल्दी से जल्दी एंड हो जाए, लेकिन जो लोग यूएस के इस डिसीजन को सही नहीं मानते वो ये कहते हैं कि इसने जापान के ऊपर बॉम्ब इसलिए गिराया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रशिया जापान को ओवरटेक कर ले, यानी जापान को हरा दे और वर्ल्ड वॉर का सारा क्रेडिट ले ले, क्योंकि रशिया, आप देखिए इस मैप में, जापान के भी पास है इस रूट से और इस तरफ जर्मनी के भी पास है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये जर्मनी है, तो दोनों तरफ से रशिया दोनों के ही पास था, तो वो दोनों को आसानी से हरा देता। तो लोगों का कहना था कि वर्ल्ड वॉर तो वैसे भी थोड़े टाइम में एंड होने ही वाली थी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब इसलिए गिराए ताकि वो अपनी सुप्रीमेसी को प्रूव कर सके, वो पूरी की पूरी दुनिया को ये दिखा सके कि यूएस सबसे पावरफुल है और उसकी टेक्नोलॉजी के आगे कोई भी देश नहीं टिक सकता। और इसके बाद से शुरू हो गई कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध। अब कोल्ड वॉर थी क्या, इसे हम एक डेफिनेशन की मदद से समझते हैं। कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से डिवॉइड था। अब इस लाइन का मतलब समझिए, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन कोल्ड वॉर के अंदर नहीं हुई थी। जैसे नॉर्मल कोई भी वॉर होती है तो उसके अंदर सेनाएं लड़ती हैं, कोल्ड वॉर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कोल्ड वॉर में आइडियोलॉजीज का टकराव हुआ था। कौन कौन सी आइडियोलॉजीज, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म। तो यहाँ पे आइडियोलॉजीज का टकराव था।
तो देश क्या चाहते थे कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा देश हो सके वो उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करें। जैसे एक तरफ था यूएस, दूसरी तरफ था यूएसएसआर। तो यूएस चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैपिटलिज्म के सिस्टम को फॉलो करें, और जो यूएसएसआर था वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग सोशलिज्म को अडॉप्ट करें और उनके जो स्फीयर है इन्फ्लुएंस का उसके अंदर आ जाए। कोल्ड वॉर 1945 से 1991 तक कंटिन्यू हुई और इसके पूरे की पूरी दुनिया पर बहुत ही सिवियर हमें इफेक्ट्स देखने को मिले। कोल्ड वॉर कई तरह के रूप में हमें देखने को मिली। पहली तो थी आर्म्स रेस, दूसरी थी स्पेस रेस। अब देखिए आर्म्स रेस क्या था, जैसे यहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, तो उसके बाद थोड़े टाइम में रशिया था यानी यूएसएसआर, उसने भी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेवलप कर लिए और दोनों के बीच में रेस लग गई कि ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल कौन बना पाएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक वेपन्स कौन बना सकता है। उसी के साथ उस टाइम आप देखेंगे कि स्पेस रेस भी चालू हो गई। आपने नाम सुना होगा यूरी गैगरिन का, जो कि सब फर्स्ट पर्सन थे जो कि स्पेस में गए थे, वो यूएसएसआर के ही थे। तो इस तरीके से एक रेस हो गई कि पहले स्पेस में कौन जाएगा, पहले कुत्ते को स्पेस में कौन लेके जाएगा, तो वो यूएसएसआर ने किया। पहली महिला कौन स्पेस में जाएंगी, वो वेलेंटिना टेरेश्कोवा, वो यूएसएसआर की थी। तो इस तरीके से जितने भी अलग अलग चीज़ें थी यहाँ पे रेस होने लग गई, और जो स्पेस रेस थी उसके अंदर जीता एंड में यूएस। इतने सारे अचीवमेंट्स यूएसएसआर के पास थे तो भी यूएस जीत गया, क्योंकि यूएस ने सबसे पहला इंसान मून पर पहुंचा दिया। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज तक के दिन यूएसएसआर यानी रशिया ये नहीं मानता कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट आदमी थे जो उस मून पर गए। उनका कहना था कि जो वो इमेजेस थी वो भी ट्रू नहीं है, और वो कई सारे अपने तर्क इसके लिए बताते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके मिलिट्री फीचर्स क्या क्या थे। देखिए जितनी भी दोनों कंट्रीज थी, यूएस और यूएसएसआर, वो बहुत सारी कंट्रीज को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाना चाहती थी। तो वो दूसरी कंट्रीज को कहती थी कि आप हमारे साथ मिलिट्री अलायंस में आ जाइए, यानी अगर कोई देश आपके ऊपर अटैक करता है तो हमारी जो सेना होगी वो आपकी हेल्प के लिए आ जाएगी। तो इससे क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज यूएसएसआर या फिर यूएस की तरफ हो जाती थी, और बदले में वो उनको बहुत सारे इकोनॉमिक एड भी देते थे। तो इसके लिए टोटल हम देखें मेनली चार तरीके की, चार जो थी मिलिट्री अलायंस चालू हुई थी। यूएसएसआर ने एक मिलिट्री अलायंस चालू किया एक बड़े स्केल पे, उसका नाम था वॉर्सो पैक्ट, जो कि 1955 में स्टार्ट हुआ। इसके अलावा तीन जो मिलिट्री अलायंसेस थे वो यूएस ने शुरू किए, और मिलिट्री अलायंसेस जो यूएस ने शुरू किए थे वो एरिया वाइज थे। एक था नेटो, नॉर्थ अमेरिकन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो अटलांटिक और पैसिफिक वाला रीजन था उसके लिए, सीएटओ, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो देश हैं हमारे इंडिया से साउथ की तरफ और ज़्यादा हम देखें तो जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, इन कंट्रीज़ के लिए, और सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जो मिडल ईस्ट है उन वाली कंट्रीज़ के लिए आया था। आपको इनके ईयर याद होने चाहिए, क्योंकि इस साल से पूरा का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पे जो मैप्स देख रहे हैं, मतलब जो लोगो देख रहे हैं, वो है ये वाला है वॉर्सो पैक्ट का, ये है नेटो का, ये है सीएटो का, और ये है सेंटो का। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने लगा दिए थे, ये आपको एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। एक और जो एक कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है वो ये है कि नेटो को वेस्टर्न अलायंस क्यों बोलते थे और वॉर्सो पैक्ट को ईस्टर्न अलायंस क्यों बोलते थे। इस मैप में देखिए कि यूरोप और एशिया का मैप है, जो ब्लू कलर की कंट्रीज़ हैं वो नेटो मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जितनी भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सब की सब यूएस की तरफ थी, और जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं वो सब थी यूएसएसआर की तरफ, यानी वॉर्सो पैक्ट का मेंबर, और वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज नेटो का मेंबर। तो नेटो को वेस्टर्न अलायंस और वॉर्सो पैक्ट को ईस्टर्न अलायंस इसलिए ही बोला जाता है। इसके बीच में आप ये ब्लैक कलर की जो लाइन देख रहे हैं इसे आयरन कर्टन बोला जाता है। तो इसलिए ऐसा इसलिए बोला जाता है कि यूएसएसआर का सिस्टम बहुत ही क्लोज तरीके का था, वहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ पाती थी आसानी से, और सारी चीज़ें सीक्रेटली ऑपरेट करती थी। जैसे आज की तारीख में हम चाइना के लिए कह सकते हैं, वहाँ इंटरनेट बैंड है और वहाँ पे सोशल मीडिया बैंड है, वहाँ अपना ही अलग ही एक सिस्टम चलता है, और वहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप ये देखिए पूरा वर्ल्ड मैप है, और आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज उस टाइम यूएस की तरफ थी और कौन यूएसएसआर की तरफ थी। जो ग्रीन कलर में कंट्रीज हैं वो यूएस की तरफ थी, येलो कलर की कंट्रीज यूएसएसआर की तरफ थी। जो कंट्रीज यूएस की तरफ थी उन्हें हम बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, और जो कंट्रीज यूएसएसआर की तरफ थी उन्हें हम बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। इसके अलावा रेड कलर में आपको कुछ कंट्रीज दिखेंगी, इन्हें हम बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ये देश किसी भी देश की तरफ नहीं थे, ना यूएस की तरफ ना यूएसएसआर की तरफ, ये नॉन अलाइंड थे, वो हम आगे देखने वाले हैं।
अब हम देखते हैं कि अरीनास क्या थे कोल्ड वॉर के। अरीनास ऑफ कोल्ड वॉर ये कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे लड़ाई हुई तो सही, मान ली कॉन्फ्रेंटेशन शुरू तो हो गया, लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ कि एक बहुत बड़ी वॉर हो जाए। छोटे मोटे कुछ स्कर्मिशेस हो गई, लेकिन एक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। तो ये कुछ प्लेसेस थी जैसे बर्लिन, कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, क्यूबा, कॉन्गो। तो अगर आप वियतनाम की बात करें तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा वियतनाम वॉर के बारे में, जिसमें यूएस ने वियतनाम के ऊपर अटैक कर दिया था। तो जो वियतनाम था उसको यूएस ने बॉम्ब किया, तो वियतनाम के साथ तो यूएसएसआर था और उसके खिलाफ था यूएस। अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ, अफगानिस्तान में जो तालिबान था उसको सपोर्ट किया यूएस ने और अफगानिस्तान पर अटैक उस टाइम कर दिया यूएसएसआर ने। और इस तरीके से कोरिया के अंदर भी ऐसा ही हुआ, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था चाइना और यूएसएसआर, और इधर साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे यूएस। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ में लड़ाई हो रही थी, लेकिन कोई सी भी बहुत बड़ी वॉर नहीं हमें देखने को मिली डायरेक्ट यूएस और यूएसएसआर के बीच में। यहाँ आपको एक टर्म समझना होगा जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी हैं, इन दोनों में कुछ लड़ाई टाइप चल रही है, मतलब इन दोनों की बनती नहीं है, और दूसरी तरफ यहाँ पे है सी और डी। तो जो ए है वो हथियार देगा सी को और बी है वो हथियार देगा डी को, और दोनों के दोनों लड़ेंगे। तो दूर से देखने में तो लगेगा कि सी और डी लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन असल में ए और बी लड़ाई कर रहे होते हैं। तो वैसा ही कुछ हमें कोरिया में देखने को मिला। तो नॉर्थ कोरिया की तरफ कौन था? यूएसएसआर, और साउथ कोरिया की तरफ था यूएस। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया लड़ रहे थे कोरियन वॉर में, लेकिन असल में इनके पीछे पावर्स थी, उनकी असल में लड़ाई हो रही थी और वो अपनी पावर को शो कर रहे थे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इवेंट हुआ और जो बहुत ही बड़ा इवेंट था वो था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसे हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्यूबा आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जस्ट पास एक छोटा सा आइलैंड नेशन है। यहाँ पे फिडेल कैस्ट्रो की सरकार थी। तो जो फिडेल कैस्ट्रो थे वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे, यानी यूएस तो कैपिटलिज्म में मानता था, वो कम्युनिज्म या फिर सोशलिज्म में मानते थे। तो जो फिडेल कैस्ट्रो थे उनके संबंध यूएसएसआर से बहुत अच्छे थे। तो उससे पहले थोड़े टाइम पहले क्या हुआ कि जो रशिया था उसके पास एक कंट्री है टर्की, वहाँ पे यूएस ने अपने वेपन्स को प्लेस कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि यूएसएसआर खतरे में आ गया, क्योंकि कभी भी यूएस उसके ऊपर मिसाइल्स लॉन्च कर सकता था। तो यूएसएसआर ने इसका जवाब देने के लिए फिडेल कैस्ट्रो से बात करी और क्यूबा के अंदर अपने न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स रखवा दी। तो अब इससे फ़र्क क्या पड़ा, ये देखिए जो इनकी रेंज थी इसमें पूरा का पूरा यूएस कवर हो रहा था, यानी यूएसएसआर चाहता तो एक चुटकी में पूरे के पूरे यूएस पर न्यूक्लियर वेपन्स बरसा सकता था और पूरा का पूरा एक डिस्ट्रक्शन ला सकता था। तो जब ये बात यूएस को पता चली तो उसने जितनी भी शिप्स यूएसएसआर से आ रही थी उनको वहाँ पे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ी टेंशन हुई और उस टाइम लोगों को ऑलमोस्ट श्योर था 99% कि वर्ल्ड वॉर 3 होने ही वाली है। लेकिन उसके बाद कई सारी पीस टॉक्स हुई और कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मदद करी, तो यूएस और यूएसएसआर ने लड़ाई नहीं करी, क्योंकि दोनों ये बात जानते थे कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो दोनों को बहुत भारी नुकसान होगा, और अगर एक कंट्री जीत भी जाती है तो उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज के पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो जो ये लॉजिक है कि दोनों कंट्रीज़ के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं तो लड़ाई करना समझदारी की बात नहीं है, इसे हम बोलते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस, यानी दोनों ही देश थोड़ा डर के रहते हैं, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते हैं। यहाँ आप इस कार्टून में देखिए, दोनों ही जो लीडर्स हैं उनके हाथ हैं एक बटन के ऊपर, एक बटन है जहाँ पे नीचे आप मिसाइल्स देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक्सप्लोड हो जाएंगे अगर ये बटन को ये दबा देते हैं। तो अगर ये इसको दबा देते हैं तो कोई सी भी मिसाइल फटे, इधर वाली या इधर वाली, दोनों ही मर जाएंगे, यानी दोनों का ही बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर दोनों ही दबा देते हैं मिसाइल्स के बटन तो ऑफ कोर्स दोनों के दोनों देश बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर में कोई भी देश नहीं बचता है। ये हमने जापान में देख लिया था कि न्यूक्लियर वेपन्स कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्ब्स गिरे थे वो थे 10 to 15 kilotons, ये इसे मेजर करने का एक यूनिट होता है जिससे इनकी पावर का पता चलता है। और 10-15 साल के अंदर अंदर ही यूएस और यूएसएसआर दोनों ने ही 10-15 हज़ार किलोटन के वेपन्स बना लिए थे, न्यूक्लियर वेपन्स। तो इससे हमें पता चलता है कि पावर कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी वेपन्स की। और अगर ऐसी कोई वॉर हो जाती तो इनके पास इतने वेपन्स थे कि ये पूरी की पूरी दुनिया को कई बार ख़त्म कर सकते थे, एक बार दो बार नहीं बल्कि बहुत सारी बार।
तो इस वजह से दोनों के दोनों देश लड़ना नहीं चाहते थे। अब यहाँ पे हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट के बारे में समझेंगे जो था नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब हो क्या रहा था कि दोनों के दोनों तरफ बहुत टेंशन्स चल रही थी यूएस और यूएसएसआर के बीच में, और हर कंट्री चाहता था कि वो या तो यूएस की तरफ चल जाए या यूएसएसआर की तरफ। तो कुछ कंट्रीज़ बोली कि हमें दोनों की तरफ ही नहीं जाना और हमें नॉन अलाइंड रहना है, यानी ना इस तरफ ना इस तरफ। तो पांच कंट्रीज़ ने मिलकर एक ग्रुप चालू किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसके अंदर आपको जान के खुशी होगी, फर्स्ट कंट्री थी वो इंडिया, इंडोनेशिया, घाना, इजिप्ट और यूगोस्लाविया थी। तो इन पाँच कंट्रियों ने मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चालू किया। देखिए, इनके जितने भी लीडर्स थे, यानी इंडोनेशिया के सुकार्नो, जोसेफ ब्रॉस टीटो, क्वावे नक्रुमा जो घाना के थे, और इजिप्ट के जमाल अब्दुल नासिर, ये सब के सब जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे। तो स्टार्टिंग से ही इन कंट्रीज़ की जो केमिस्ट्री थी वो अच्छी थी। तो इन्होंने आगे जाके ये इसको बनाया, क्योंकि ये देश अभी अभी आज़ाद हुए थे और ये नहीं चाहते थे कि ये दोनों में से किसी भी साइड जाकर अपनी जो सवेरेनिटी है, यानी अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन टेकिंग पावर को किसी और कंट्री को दे दें, यानी उनके ही कहने पे चलना पड़ेगा क्योंकि वो कंट्रीज उन्हें मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, इकोनॉमिक एड दे रही हैं। तो फिर इससे इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता। तो इन्होंने अपना अलग एक तीसरा रास्ता बनाया, जिसे इन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का नाम दिया। इसकी जो पहली मीटिंग थी वो 1961 बेलग्रेड के अंदर हुई, जो कि यूगोस्लाविया में है। यहाँ पे आप देखेंगे ये फाइव लीडर्स हैं नाम कंट्रीज के। अगर हम लेफ्ट साइड से शुरू करें तो ये हैं नेहरू जी, ये हैं क्वावे नक्रुमा, ये गमाल अब्दुल नासिर, ये सुकार्नो, और ये है जोसेफ ब्रॉस टीटो यूगोस्लाविया के। तो आपसे अगर वन मार्क का क्वेश्चंस में कभी कभार इमेज टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इस बार पूरा का पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिवली है। तो आपको लीडर्स के नाम याद होने चाहिए, प्लस उनकी शक्ल भी आपको एक बार देख लेनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि नाम की आइडियोलॉजी क्या थी और नाम आखिर था क्या। हम नाम को अगर समझें तो हमें ये नहीं समझना कि नाम क्या था, हमें ये समझना होगा कि नाम क्या नहीं था। नाम एक चीज़ नहीं था, वो था न्यूट्रलिटी। यानी लोग ये समझे कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब है न्यूट्रल ना होना, तो ऐसा नहीं था। न्यूट्रलिटी का हमें मतलब समझना होगा, यानी एक पॉलिसी जिसके अंदर एक कंट्री वॉर से बाहर रहता है। मान लीजिए दो देशों के बीच में लड़ाई हो गई है, तो अगर मेरा कोई देश है तो मैं किसी ने कुछ भी लड़ाई करी, मैं उसके अंदर जाके नहीं कूदना चाहता। और एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि ये जो कंट्रीज़ हैं वो ये भी नहीं देखते कि क्या मॉरल है कि नहीं है। मान लीजिए चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया और यूएस कुछ भी नहीं बोलता, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। यानी उसे मॉरालिटी से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या अटैक करना मॉरल था, अटैक करना चाहिए था या नहीं चाहिए था, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने साथ अलग ही रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। तो वो वॉर्स में इंटरफेयर नहीं करते, ना उन्हें एंड करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक जो फिनोमेना आता है वो है आइसोलेशनिज्म का। तो नाम आइसोलेशनिज्म को भी फॉलो नहीं करता था। आइसोलेशन का जो रूट वर्ड है आइसोलेशनिज्म का, वो है आइसोलेशन, यानी एकदम अलग रहना। जैसे क्लास में आपने कुछ बच्चों को देखा होगा जो एकदम अलग बैठे रहते हैं, किसी से भी बात नहीं करते, तो ऐसे बच्चों को आप आइसोलेटेड बोल सकते हैं। तो वैसे कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो ज़्यादा कंट्रीज से इंटरेक्ट नहीं करती, अपने ही कंट्री अपने देश में एकदम सेल्फ सफिशियंट रहते हैं, वो किसी ज़्यादा दूसरे देश से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूएस, यानी वर्ल्ड वॉर वन से पहले यूएस ज़्यादा किसी कंट्री से इंटरेक्ट नहीं करता था, वो खुद की कंट्री में ही डेवलपमेंट वगैरह करता रहता था, वो इतना इंटरफेयर नहीं करता था जैसा आप आज देख सकते हैं। वर्ल्ड वॉर वन से हमें देखने को मिला है कि यूएस बहुत ज़्यादा ही आउटवर्ड लुकिंग हो चुका है। इसके बाद नाम ने एक और एक मूवमेंट टाइप शुरू किया, जिसे हम कह सकते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब हुआ क्या, 1972 में अंक टाइड की एक रिपोर्ट आई, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इसके अंदर इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स को प्रपोज किया। पहला कि हम LDCs को कंट्रोल दे दें उनके रिसोर्सेज का। अब LDCs क्या थी, लीस्ट डेवलप्ड नेशंस, ऐसे देश जो सबसे कम डेवलप्ड थे, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ईरान, इस तरीके के बहुत सारे देश, यानी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि ये जितने भी देश थे वो उस टाइम कॉलोनियलिज्म से आज़ाद हुए थे, अलग अलग जो वेस्टर्न पावर्स थी उनको वहाँ उन्होंने भगाया था, लेकिन फिर भी कई ऐसी प्राइवेट कंपनियां थी जिन्होंने उनके रिसोर्सेज पे कंट्रोल करके रखा हुआ था, वो ही उनके सारे रिसोर्सेज को मैनेज करती थी, या उन्होंने लीज पे ले रखा था। मान लीजिए ऑयल निकला, तो ऑयल क्योंकि उन्होंने मिडल ईस्ट में फाइंड किया तो उन्होंने उसको पूरे तरीके से कब्जा लिया। तो
तो ऐसे जो रिसोर्सेज तो उस देश के थे लेकिन कंपनियां चला रही थी उनको बाहर की, तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से हम अपने देश को एक्सप्लॉइट होने नहीं देंगे। दूसरा उन्होंने डिमांड रखी कि जितनी भी दूसरे देश हैं वो हमारे देश में आके सामान बेचते हैं, अपनी कंपनियों को सामान बेचने देते हैं, लेकिन हमारी जो कंपनीज हैं वो बाहर जाके सामान नहीं बेच पाती क्योंकि वेस्टर्न नेशंस हमें ऐसा करने का अलाउ नहीं करते। तो इन्होंने बोला कि हमें अलाउ करना चाहिए कि हम वहाँ जाके सामान बेच सकें ताकि हमारी कंट्री की भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इसके बाद उन्होंने बोला कि हमें टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम होनी चाहिए क्योंकि जितना भी रिसर्च डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है वो अमीर देशों के पास था, तो वो ही नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते थे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इतनी महंगी होती थी कि गरीब देश अडॉप्ट नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने बोला कि हमें टेक्नोलॉजी बहुत ही कम दामों पर दी जाए ताकि हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। और चौथा और आखिरी पॉइंट था कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनमें LDCs को अच्छा रोल दिया जाए। मान लीजिए जितने भी हम देखें ऑर्गेनाइजेशन जैसे UN, IMF, तो यहाँ होता क्या है, UN के अंदर अगर आप देखें तो एक सिक्योरिटी काउंसिल होती है जिसके कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि मेनली 5 हैं, US, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। तो ये ही मेनली सारे के सारे डिसीजन लेते हैं और इनके पास वीटो पावर होती है, तो दूसरी कंट्रीज़ यहाँ पे अपनी मर्ज़ी नहीं चला पाती। और दूसरा आप देखिए IMF में या वर्ल्ड बैंक में, यहाँ पे भी कोई डेमोक्रेसी नहीं होती, यानी ऐसा नहीं है सबके पास इक्वल वोट है जितने भी इसके मेंबर्स हैं। यहाँ पे जो देश ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसे ज़्यादा शेयर मिलता है वोट का। तो मान लीजिए वहाँ 20% जो वोट हैं वो तो सिर्फ US के पास ही रहते हैं, तो उनके खिलाफ जो बड़े बड़े देश हैं उनके खिलाफ तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता और वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी चलाते हैं ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में। तो इन्होंने बोला कि हमें ज़्यादा का ज़्यादा रोल चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर वर्ल्ड वाइड। लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोग्राम फेल हो गया। इसका मेनली रीज़न था कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ थी वो वैसे तो लड़ती रहती थी जैसे US और USA साथ, लेकिन इस मामले में ये सारे के सारे देश एक साथ आ गए और इन्होंने बोला कि हम आपकी कोई सी भी मांग नहीं मानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी ये दूसरे बहुत ज़्यादा नंबर में बहुत ज़्यादा देश थे, लेकिन जितने भी जो गरीब देश थे वो अलग अलग हो गए, यानी कुछ ने बोला कि क्यों हमें ऐसी कंट्री से लड़ना है, या फिर वो उसके विजन को लेके कभी अलाइन ही नहीं हो पाए, और कुछ ने तो मान लीजिए US ने कुछ इन्फ्लुएंस कर दिया तो वो US की साइड हो गए। तो इस तरीके से जो इनका खेमा था नाम का वो टूट गया और US और USSR वगैरह इस चीज़ को लेकर सबके सब एक साथ आ गए जितने भी बड़े बड़े देश थे। अब हम देखेंगे कि इंडिया का क्या रोल था कोल्ड वॉर के अंदर। मेनली इंडिया जो हमने रोल देखा वो नाम से रिलेटेड भी होगा, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें ओवरलैप करती हुई आपको दिखेंगी। सबसे पहली चीज़ जो इंडिया ने करी पूरी कोल्ड वॉर में वो ये था कि हमने कोई सी भी अलायंस सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया, यानी हम दूसरों को भी हमने मना किया कि आप भी किसी को ज्वाइन मत कीजिए, और जिसने ज्वाइन किया हमने उसकी भी बुराई करी। जैसे पाकिस्तान था, उसने सीएटओ और सेंटो दोनों को ज्वाइन किया था, तो इंडिया ने इसको लेकर उसकी आलोचना भी करी थी। और ऐसे कई देश थे जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर रहे थे जैसे नेटो या वॉर्सो पैक्ट को, तो इंडिया इन सारे देशों के खिलाफ था और वो खुद भी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करना चाहता था और किसी भी वेस्टर्न नेशन की कठपुतली नहीं बनना चाहता था। इसके बाद हम देखेंगे कि इस स्ट्रैटेजी के जो नॉन अलाइनमेंट की स्ट्रैटेजी थी उसके एडवांटेजेस क्या थे। पहला था कि हम क्योंकि किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, हमें कोई अपनी आर्मी नहीं दे रहा था, कोई हमें पैसा नहीं दे रहा था, तो हमें ऐसा नहीं था कि किसी चीज़ को लेके किसी देश के साथ होना पड़े। हम अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड ले सकते थे, हमें कोई चीज़ पसंद आई तो हम उसकी बुराई कर सकते थे, कोई नहीं आई तो उसके खिलाफ भी हम बोल सकते थे। दूसरा था कि हमें किसी भी दूसरी पावर की तरफ इंक्लाइन होने की ज़रूरत नहीं थी। और मान लीजिए अगर हम US की तरफ गए और US हमें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, हमारे खिलाफ पॉलिसीज बना रहा है, तो हम USSR की तरफ चले गए, और जब USSR से हमारी कोई टेंशन हुई तो हम US की तरफ चले गए, तो हम इस मामले में बहुत फ्लेक्सिबल हो सकते थे कि किससे हमें रिलेशंस अच्छे रखने हैं। नहीं तो मान लीजिए अगर हम सिर्फ US की तरफ होते तो US हमारे साथ कुछ भी करता, हम USSR की तरफ नहीं जा पाते क्योंकि USSR हमेशा हमारे खिलाफ ही रहता। इसके बाद है कि जो इससे इंडिया की पोजीशन थी, क्योंकि इंडिया ने इसको लेकर नाम बनाया और तो जो नाम बना था उसके अंदर मेन जो लीडर्स थे वो इंडिया के ही थे, तो इस तरीके से हुआ क्या कि इंडिया की जो सोशल एक पोजीशन थी पूरी के पूरे वर्ल्ड में वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ के सामने आई। इसके बाद देखेंगे कि इंडिया की जो ये पॉलिसी थी नाम की, इसमें हमें क्या क्या क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। पहला है कि इंडिया की ये पॉलिसी अनप्रिंसिपल्ड थी, यानी इंडिया कभी तो कुछ करता था और कभी कुछ और करता था, यानी वो एक तरीके से नहीं चलते थे। तो हुआ क्या कि जब US ने वियतनाम के ऊपर अटैक किया तब तो
इंडिया ने उसकी बुराई करी, लेकिन जब सोवियत यूनियन ने यानी यूएसएसआर ने अटैक कर दिया पोलैंड के ऊपर या हंगरी के ऊपर और वहाँ पे प्रोटेस्ट को दबाया, तब इंडिया ने कुछ नहीं बोला और यूएस की हमने बुराई करी। तो इस तरीके से हम अलग अलग स्टैंड्स लेते थे हमारे फेवर को देखते हुए, ना कि हम कुछ ऑनेस्टली कुछ चीज़ बोलते थे। इसके अलावा है कि इंडिया ने कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशंस भी ली। हुआ क्या, हम दूसरे देशों को बोल रहे थे कि आप कोई सा भी अलायंस सिस्टम ज्वाइन मत कीजिए, लेकिन अगस्त 1971 में इंडिया ने खुद ने यूएसएसआर के साथ एक 20 ईयर की ट्रीटी साइन कर ली, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। तो इसमें हुआ क्या कि अगर कोई भी देश हमारे ऊपर अटैक करता है तो यूएसएसआर हमें बचाने आ जाएगा। तो ये भी एक तरीके का अलायंस ही तो हो गया। हम दूसरे देशों से कह रहे थे कि आप नेटो को ज्वाइन मत करो, आप वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन मत करो, लेकिन हमने खुद ने यूएसएसआर के साथ एक अलायंस कर लिया। तो ये अलायंस उस टाइम हुआ इसलिए था क्योंकि हमें पता था कि हमारी पाकिस्तान के साथ 1972 में वॉर होने ही वाली है और पाकिस्तान की साइड उस टाइम यूएस था, तो हमें भी अपनी तरफ कोई बहुत बड़ी पावर चाहिए थी, तो इसलिए हमने यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया था उसकी ट्रीटी साइन करके। अब हम देखेंगे कि इतने सालों बाद जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई है, जब 1991 में कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, तो फिर अभी नाम की क्या ज़रूरत है? अब तो कोई अलाइनमेंट ही नहीं है, अब तो सिर्फ एक ही पावर है पूरी की पूरी दुनिया में, वो है यूएस। तो फिर यहाँ पे हमें नाम की ज़रूरत ही क्या है? तो वैसे तो नाम इतना अब रेलिवेंट नहीं रहा आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स थे या कोर आइडियोलॉजी थी वो आज भी बहुत काम की है। पहला इसमें हम कह सकते हैं कि जितने भी जो डीकॉलोनाइज स्टेट्स हैं वो एक हिस्टोरिकल एफिलिएशन शेयर करते हैं, यानी जितने भी डीकॉलोनाइज्ड कंट्रीज हैं उनकी हिस्ट्री एक तरीके से सेम है, तो वो सब साथ में उनको एक फोरम पे आना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए। जैसे नाम में रखा, तो नाम में जो मेनली कंट्रीज थी वो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज थी, जो कि जितनी भी वेस्टर्न नेशंस थे उनके कॉलोनियल रूल से बाहर आ रही थी। इसके बाद उन्होंने जितने भी छोटे छोटे देश थे उन्हें अपनी फॉरेन पॉलिसी को फ्रीली आगे बढ़ाने का एक हिम्मत दी, क्योंकि हुआ क्या कि अगर ये देश सबके सब साथ में आ गए तो उन्हें अब किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट रहने की खास ज़रूरत थी नहीं। इसके बाद एक और चीज़ आई जब इन्होंने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचा, तो इन्होंने एक और प्रिंसिपल को सबके सामने रखा, वो था कि जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो गरीब देशों के लिए भी होने चाहिए और उनमें डेमोक्रेसी आनी चाहिए, यानी सबको एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। और जो नाम मूवमेंट है वो सिंबल है एफ्रो एशियन यूनिटी का, यानी कि जितने भी इसमें जो कंट्रीज थी मेनली अफ्रीका और एशिया की थी, तो ये शो करता है कि इतने टाइम से जितने भी गरीब देश हैं अफ्रीका और एशिया के वो एक साथ आ सकते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसी के साथ अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वन मार्कर, क्योंकि इस बार आपका पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो वन मार्क्स का ही है, वो कुछ टाइम में ही हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी हम बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।